हेलो एवरीवन, आप सभी का कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण विषय पर स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 की पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का नाम है शब्द और वाक्य। पहले हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनाया जाता है, अर्थात उनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। यहाँ देखिए, क प्लस म प्लस ल, कमल। तीन वर्णों का मेल से ये शब्द बना है। क प्लस छोटी ई प्लस स प्लस आ में आकार प्लस ना प्लस आ। का छोटी की मात्रा प्लस सा आकार प्लस ना, किसान। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। शब्द की परिभाषा, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। आग, पुस्तक, आकाश। शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, तालाब, सेब आदि, ये सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लकम, बतला, बैस आदि, ये निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विभाजन और वर्ण संयोजन। वर्ण विभाजन, शब्दों को अलग अलग वर्णों, व्यंजन, स्वर में तोड़कर विभक्त किया जा सकता है। इस क्रिया को वर्ण विभाजन कहा जाता है। जैसे यहाँ आप लोग देखिए कि किस प्रकार से वर्ण विभाजन किया जाता है। ये क्या है? तोता। क्या लिखा हुआ है? तोता। त प्लस आ प्लस, यहाँ क्या है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ में आकार। तो इस प्रकार से वर्ण विभाजन किया जाता है। यहाँ देखिए, ये क्या है? तितली। त प्लस आ प्लस छोटी ई प्लस त प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस ई। तो इस प्रकार से तितली को यहाँ विभाजन किया गया है। वर्ण संयोजन, जब वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है तब इस क्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। जैसे, तो वर्ण संयोजन किस प्रकार किया जाता है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए। स प्लस ए प्लस ब प्लस आ। सा ए की मात्रा, ब सेब, ब प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस रा प्लस ई, क्या है? बकरी। तो इस प्रकार से वर्ण संयोजन किया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करेंगे। आप लोग जहाँ तक पढ़ाई हुआ है आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और अच्छा से समझ भी लीजिएगा। थैंक यू।